प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनवा तहसील अंतर्गत पिपरा में 64,08,00,000 की लागत से 12 एकड़ क्षेत्र में निर्मित हो रहे अटल आवासीय विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया तथा प्रोजेक्ट के विस्तृत अवलोकनोपरांत निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत शत प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिए जाए और कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता की जांच अवश्य कराई जाए, कार्य मानक के अनुरूप होने चाहिए और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा को निर्देश दिए कि गीडा में उद्यमों की समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण सुनिश्चित करें तथा निवेशकों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि जनपद में अधिकाधिक निवेश हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यमियों के साथ निरंतर संवाद स्थापित किया जाए एवं माह में एक बार अवश्य बैठक आहूत की जाए। संवाद से समस्याओं को समाधान सुगम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों के साथ संवेदनशील एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनाया जाए, विकास कार्य में कहीं भी विलंब लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सहजनवा पॉलिटेक्निक सैनिक स्कूल, आयुष विश्वविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेस लिंक वे आदि के निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस लिंक वे पर अर्थवे के कार्य को बरसात के पूर्व करा लिया जाए ताकि बरसात में निर्माण कार्य प्रभावित न हो। सहजनवा पॉलिटेक्निक के संबंध में बताया गया कि इस साल में कार्य पूर्ण हो जाएगा। यह भी बताया गया कि अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य 23 जून 2021 से प्रारंभ हुआ है, जिसे सितंबर 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय का उद्देश्य उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण क्रम का कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के कुल 1000 बालक बालिकाओं एवं अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किया जाना है। बताया गया कि विद्यालय शिक्षण भवन में प्रशासनिक भवन, छात्रावास, बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक मेज सहित खेल मैदान, इंडोर स्पोर्ट्स, कंप्यूटर कक्ष इत्यादि आवश्यक एकेडमिक प्रशासनिक सुविधाओं से युक्त होगा। सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों के आयोजन हेतु एक ओपन थिएटर, परिसर की देखरेख हेतु सुरक्षा टीम, सीसीटीवी कैमरे आदि की व्यवस्था के साथ ही एकेडमिक ब्लॉक में छात्र छात्राओं की सहशिक्षा अत्याधुनिक शिक्षण तकनीक से स्मार्ट क्लासेस युक्त होगा। इस अवसर पर सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा आदि उपस्थित रहे।